गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ट्वेल्थ क्लास में हमने फर्स्ट यूनिट शुरू कर रखी थी और फर्स्ट यूनिट में हम कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जैसे हमने कूलम्स लॉ फोर्स कर लिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कर ली, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल कर लिया, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कर ली, उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया, फिर हमने गॉस लॉ किया, गॉस लॉ से फिर हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन भी की, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ बीच बीच में न्यूमेरिकल भी किए। तो आज हम शुरू करेंगे बेटा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हमारा नया चैप्टर है कैपेसिटेंस। तो बेटा कैपेसिटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग कंडक्टर्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिगार्डिंग कंडक्टर्स, ठीक है बेटा। तो कंडक्टर्स के लिए कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम देखेंगे क्या क्या हैं, ठीक है। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं, ठीक है ना। दोज मटेरियल्स विच कैन पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली, आराम से पास होने देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। तो वैसे जैसे रेजिस्टेंस भी लगता है, तो जिसका जितना कम रेजिस्टेंस उतना अच्छा कंडक्टर, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ख़राब कंडक्टर हो जाएगा वो, ठीक है। तो पहला जो रिजल्ट है वो है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। पहला जो है हमारे पास रिजल्ट वो है इन इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो इक्विलिब्रियम में अगर एक कंडक्टर रखा हुआ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बेटा देखो कैसे, मान लो हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन यही होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी भाई पॉजिटिव से नेगेटिव, वो हमने मान ली ई नोट, और उसकी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब इसके अंदर हमने रख दिया एक कंडक्टर, ठीक है, इसके अंदर हमने एक कंडक्टर रख दिया। अब जो ये कंडक्टर है, देखो पॉजिटिव चार्ज की तरफ इस कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और नेगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। ऐसा कैसे हुआ? देखो यहां पे नेगेटिव प्लेट क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से किस तरफ चले जाएंगे? पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरफ कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ कौन सा चार्ज रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे, और उसकी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ, ठीक है ना। तो वो मान लो ई पी, अंदर वाली क्या मान ली? ई पी, बाहर वाली क्या मानी थी? ई नोट, ठीक है। तो क्या है भाई, व्हेन ए कंडक्टर
पुट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विलिब्रियम देन सम नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स moves towards the पॉजिटिव प्लेट। तो वो क्या है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। इन दिस वे देयर इंड्यूस नेगेटिव चार्ज टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट एंड द पॉजिटिव चार्ज टुवार्ड्स नेगेटिव प्लेट। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ चार्जेस गोज ऑन टिल द इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी उसका मैग्नीट्यूड बिकम्स इक्वल टू ई नोट के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो जब तक बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं हो जाता, तो ये क्या है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, ये चार्ज ऐसे ही होते रहेंगे। तो जब बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा चार्ज। तो बराबर हो गए ना, चार्ज होना क्या है, यहाँ से चार्ज का मूवमेंट यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाना बंद कर देंगे। ठीक है, तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एन, वो क्या है भाई, ई ओ माइनस ई पी, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जो कंडक्टर है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इन दिस वे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ये क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर वो क्या हो जाएगी, हमारे पास जीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या होती है, जीरो होती है। कैसे हुआ, जैसे हमने इस कंडक्टर को एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के बीच में रखा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक साइड से पॉजिटिव प्लेट की तरफ खिसकना शुरू कर देंगे, तो एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे और नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो जाएं, बराबर ना हो जाएं। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई। तो ये था हमारा पहला, अब दूसरा देखो। सेकंड जो है वो है एक्सेस चार्ज, अगर हमने कोई दे दिया तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा।
मान लो जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, इसको हमने एक्सेस चार्ज दे दिया, तो वो सारा का सारा किस पे आ जाएगा, सरफेस पे। द एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रेजिडाइज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब देखो बेटा ये किस तरह से है। अब मान लो जैसे ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं का मतलब क्या है, जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है। फिलहाल ये अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब हमने क्या किया, मान लो जैसे हमने इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज का इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, इंजेक्ट कर दिया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कर दो या नेगेटिव कर दो, कोई भी कर दो, तो जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, रिपेल कर देगा और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, सरफेस की तरफ चला जाएगा और बाहर आउटवर्ड सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, अगर हम इसको और पॉजिटिव देंगे तो वो पॉजिटिव उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, तो सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, when we give some charge to the conductor, then due to the repulsion the charge in the conductor residizes या goes towards the surface, goes towards the surface and get a stable state। ठीक है, in this way चार्ज रेजिडाइज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो सारा का सारा चार्ज किस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। अभी कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देंगे वो सारा का सारा चार्ज क्या है, कंडक्टर के सरफेस पे आ जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, और कंडक्टर के सरफेस पे सारा का सारा चार्ज आ जाएगा हमारे पास। चलो नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास, तो बेटा ये हमारे हमने अभी तक दो पढ़ी हैं। पहली तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इनसाइड द कंडक्टर, जीरो, और दूसरी क्या है कि भी अगर चार्ज देंगे एक्स्ट्रा चार्ज वो क्या हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। अब थर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, थर्ड जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज सेम एज दैट ऑफ
सरफेस, तो जितना सरफेस पे है वही रहेगा। तो मतलब कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा बेटा। ठीक है, कैसे देखो, एज वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, मतलब E इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, जीरो है। ठीक है, तो हमें पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंडक्टर के अंदर क्या होती है, जीरो होती है। एंड E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाई dr, विच इंप्लाइज माइनस dV बाई dr इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज dV बाई dr इज इक्वल टू जीरो। सो देखो डेरिवेटिव जीरो किसका होता है, कांस्टेंट चीज का होता है, इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr हम पहले कर चुके हैं, तो इसका मतलब माइनस dV बाई dr इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि e की वैल्यू इसके लिए क्या है, जीरो है। तो dV बाई dr की वैल्यू जीरो है, किसका जीरो होता है, जो कांस्टेंट होता है ना डेरिवेटिव उसका, जो है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। सो वी कैन से वी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जीरो है, तो वी एक कांस्टेंट है, वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पोटेंशियल क्या रह जाएगा भाई, कांस्टेंट है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक ई तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो। और R क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, ये फार्मूला था हमारे पास, A इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो अगर यहाँ पे इसके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो dV बाई dr किसके इक्वल हो गया, जीरो के। तो जीरो के इक्वल है तो V हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर वो हमेशा क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, और वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। ये प्रूव करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होगी भाई। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कौन सा आ गया, ये थर्ड आ गया ना, तीन हो चुके, चौथा फोर्थ आ गया ही। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर वो हमारा क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। कैसे देखो, मान लिया ये हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है भाई, इसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसका जितना हिस्सा अंदर है उतना हिस्सा क्या है, बाहर है। ठीक है, छोटा सा ले लिया ये छोटा सा, इसका जितना हिस्सा, ये सिलेंडर का जितना हिस्सा अंदर है उतना ही क्या है, बाहर है। थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर है और थोड़ा सा ये क्या है, ये बाहर है। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम होगी। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल भी इसका क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, इस सरफेस का नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में, और ये अवे फ्रॉम द हो जाएगी, जैसे अवे फ्रॉम द चार्ज कंडक्टर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से अवे होती है, और ये हमने बिल्कुल छोटा सा लिया है तो उसका जो ऊपर वाला सरफेस है उसका नॉर्मल भी क्या होगा, इसी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सिग्मा क्या ले लिया हमने,
लेट सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई एरिया। ठीक है, तो हमने सिग्मा मान लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब क्यू बाई एरिया, विच इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। तो यहाँ से हमारे पास इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और phi क्या है, फ्लक्स होता है, phi क्या होता है, E इंटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे विच इम्प्लाइज E इंटू एरिया इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, E इंटू एरिया इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इम्प्लाइज E इंटू एरिया इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या आई थी, सिग्मा इंटू एरिया था नहीं, तो सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया कट गया, तो इसका मतलब E की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गई, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ से E की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल के साथ साथ। ठीक है, तो बेटा ये था हमारे पास कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस चार्ज कंडक्टर वो क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी और वो नॉर्मल के साथ होगी। ठीक है ना, तो देखो हमने क्या किया, एक बिल्कुल छोटा सा पोर्शन ले लिया इस कंडक्टर का, छोटा सा चार्ज, इस पर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कौन सा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसका छोटा सा पोर्शन ले लिया। तो इस छोटे से पोर्शन में ये इतना पोर्शन है कि बिल्कुल नए के बराबर इसकी हाइट, हाइट क्या है, नए के बराबर है। तो इस पोर्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन अभी फ्रॉम द चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो, और नॉर्मल भी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि ये जो है सरफेस का नॉर्मल भी उसी की डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, तो हमने क्या मान लिया, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मान ली। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल के इसके ऊपर चार्ज का पता चल जाएगा। तो चार्ज कितना होगा इसका ऊपर, सिग्मा इंटू एरिया, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा फिर, सिग्मा इंटू एरिया। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमने पहले निकाली, सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।